नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षक बहाली की काउंसलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी। अभ्यर्थियों को लेकर आना होगा ये 11 डॉक्यूमेंट। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को भी मिलेगी डिग्री। हाईकोर्ट पहुँचा बहाली विवाद का मामला, उच्च न्यायालय में याचिका दायर। बिहार में 5 जुलाई तक मिलेगा फ्री राशन, सभी जिलों के डीएम को दिए गए निर्देश। जीतन राम मांझी को लगा झटका, धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने फिर छोड़ी पार्टी। चिराग पासवान के साथ जाने का किया ऐलान। फिर बोले तेजस्वी यादव, गिरी हुई सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, इस सरकार का गिरना तय है। बिहार में जनता दरबार शुरू करने की सुगबुगाहट तेज, सीएम नीतीश कुमार ने किया सेल्ड का मुआयना। मुजफ्फरपुर में खुलेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, सदर अस्पताल परिसर में 7 करोड़ की लागत से बनेगा भवन। पटना में सर्वे का काम पूरा होते ही शुरू होगी चकबंदी, चक बिहार सॉफ्टवेयर हो रही है विकसित। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सोमवार से काउंसलिंग की शुरुआत होने जा रही है। काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। शिक्षक नियोजन के 6ठे दौर की काउंसलिंग को लेकर पहले ही शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन अब सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि काउंसलिंग सेंटर पर किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना जरूरी है। शनिवार को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक शिक्षक बहाली की काउंसलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जानकारी के अनुसार नगर निकायों में 5 और 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी। 5 जुलाई को क्लास 6 से 8 तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा 6 जुलाई को क्लास 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। साथ ही जिला मुख्यालयों में भी काउंसलिंग होगी। प्रखंड नियोजन इकाई में 7 और 8 जुलाई को काउंसलिंग होने की खबर सामने आ रही है। 7 जुलाई को क्लास 6 से 8 तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद 8 जुलाई को क्लास 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। पंचायत नियोजन इकाई में 12 जुलाई को काउंसलिंग की तारीख तय की गई है। 12 जुलाई को क्लास 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। बिहार में एक विश्वविद्यालय ने बड़ा ऐलान करते हुए वैसे छात्रों को भी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि समय से देने की बात कही है जिन्होंने प्रवेश पर असामान्य परिस्थिति में पढ़ाई छोड़ दी हो। नए प्रावधान के तहत छात्रों द्वारा पहले से पढ़ा गया कोर्स अब बर्बाद नहीं जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की, जहां नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई 15 अगस्त तक लागू कर दी जाएगी। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नए कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेजों में कृषि आधारित कोर्स पर चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 16 जुलाई तक कॉलेज BAU को अपनी रिपोर्ट देगा, फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज में UG और PG में कृषि आधारित कोर्स को पारित कराया जाएगा। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि अगस्त में एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक कराकर 15 अगस्त तक इसे लागू करने की योजना है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव बल की बहाली निरस्त किए जाने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ANM कंचन कुमारी एवं 82 मानव बल की ओर से दाखिल याचिका में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन और DM को प्रतिवादी बनाया गया है। कोरोना काल में संक्रमण की रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन ने 3 महीने के लिए मानव बल की बहाली की थी, लेकिन 1 महीने काम कराने के बाद DM के आदेश पर बहाली को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने न्यायालय को बताया कि DM के आदेश में इस बात का जिक्र है कि कोरोना का संक्रमण अब खत्म हो चुका है, जिसे लेकर मानव बल की बहाली को निरस्त किया जाता है। बहाली रद्द से नाराज मानव बल ने जमकर हंगामा मचाया और प्रदर्शन किया था। इसके आंदोलन को देखते हुए मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन ने सभी को फिर से काम पर लौटने के लिए पत्र जारी कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी मानव बल की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर मानव बल ने 1 महीने तक काम किया, लेकिन इस अवधि के वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया है। दायर याचिका में मानव बलों की ओर से कहा गया है कि उनकी बहाली को निरस्त करना गैरकानूनी है, ऐसे में उन्हें काम पर लौटने का आदेश दिया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भविष्य में होने वाली बहाली में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। पटना हाईकोर्ट में आज मानव बल की ओर से एक याचिका दायर की गई है। बिहार में लोगों को 5 जुलाई तक फ्री राशन मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जून महीने का अनाज
अब 5 जुलाई तक मिलेगा। इसके पहले वितरण की तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई थी। खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संगीता सिंह ने अवधि विस्तार से संबंधित पत्र सभी डीएम को भेजा है। बता दें कि हर जिले में 5,52,421 कार्डधारी हैं, इसमें से 4,56,831 लाभुक अनाज ले चुके हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी डीलरों को अवधि विस्तार की जानकारी देते हुए अनाज का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी डीएम को पत्र भेजकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के कदावार नेता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने हम पार्टी का साथ छोड़ दिया है। हम पार्टी के पूर्व कार्यकारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मुन्ना लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ राजनीति की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के समय टिकट न मिलने से पार्टी छोड़कर जाने वाले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना इसी साल मार्च महीने में पार्टी में वापस आए थे, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने फिर से जीतन राम मांझी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पूर्व कार्यकारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है कि वे अब पार्टी के साथ नहीं हैं। उन्होंने मांझी को लिखे पत्र में कहा है कि पिता तुल्य जीतन राम मांझी ने मुझे हमेशा अपना स्नेह दिया है। उनके स्नेह ने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता 2015 में नवादा विधानसभा से प्रत्याशी और हम पार्टी का बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा है कि मैंने अपना जीवन दलित पिछड़ों कमजोर और गरीब लोगों की आवाज बनने में बिताया है और आगे भी ऐसा करना चाहता हूं। दिल्ली से बिहार लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार गिराने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि बिहार की सरकार गिरी हुई सरकार है, इस सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी ने कहा कि लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, बिहार की जनता भी जानती है कि इस सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। STET कोई नया मामला नहीं है, सरकार लगातार बहाली में धांधली कर रही है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे सरकार चल रही है। भ्रष्ट अधिकारी मंत्री और विधायक पर ज्यादा हावी है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने जो भी कुछ कहा है यह बिल्कुल सही है। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसका छींटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी पड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। बिहार के CM नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। मैंने पहले ही कहा था कि जून के महीने में बिना RCP टैक्स दिए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। जब से नीतीश बिहार के CM बने हैं तब से बिहार में यही धंधा चल रहा है। बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी क्रम में आज नीतीश कुमार ने जनता दरबार के लिए बन रहे शेल्ड का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही जनता दरबार किया जाएगा। बता दें कि जनता दरबार में CM आम लोगों की समस्या सुनते हैं। जानकारी के अनुसार आज नीतीश कुमार ने CM सचिवालय में बन रहे जनता दरबार की शेल्ड का मुआयना किया है। बताया जा रहा है कि अब CM आवास की जगह CM सेक्रेटरिएट में ही जनता दरबार लगाया जाएगा। कोरोना के कम होने के बाद इसको लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों से आने वाले लोगों से CM सचिवालय परिसर में रूबरू होंगे। माना जा रहा है कि पहले की तरह प्रत्येक सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। प्रत्येक सोमवार को अलग अलग विभागों के मामले लिए जाएंगे और संबंधित विभागों के अधिकारी भी जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेगा। अस्पताल खुलने के बाद आयुर्वेदिक यूनानी व होम्योपैथिक पद्धति से लोग इलाज का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने सदर अस्पताल में अत्याधुनिक जिला संयुक्त आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की पहल शुरू कर दी है। अस्पताल में अत्याधुनिक संयुक्त आयुर्वेदिक अस्पताल बनेगा, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। उप सचिव ने जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी है। वहीं सिविल सर्जन को पत्र लिखकर अस्पताल खोलने के लिए सदर अस्पताल परिसर में जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन के कारण सर्वे में देरी हो रही है,
इसकी भरपाई करने के लिए विभाग ने चकबंदी का प्रस्ताव बनाकर काम शुरू कर दिया है। 4 साल में यह काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इसको लेकर हासिल करने के लिए प्रत्येक महीने औसतन 1000 गांवों की चकबंदी करनी होगी। IIT रुड़की की मदद लेने को प्रस्ताव तैयार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चकबंदी के लिए IIT रुड़की से खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही IIT के करीब 200 एक्सपर्ट तकनीकी कर्मी का दल बिहार पहुंचकर चकबंदी सॉफ्टवेयर बनाने और उसका जमीन पर उपयोग शुरू कराने में मदद देगा। बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें शुरू है। वहीं अब माना जा रहा है कि जुलाई में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। अध्यक्ष के नाम पर पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक हलचल तेज है। पिछले दिनों प्रभारी भक्त चरणदास पटना से फाइनल रिपोर्ट लेकर दिल्ली गए थे। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्य में ऐसे अध्यक्ष को ढूंढ रही है जिनकी पकड़ सभी विधायकों पर हो, क्योंकि राज्य में कई बार कांग्रेस विधायकों के टूटने की खबर आ चुकी है। पार्टी की कोशिश है कि अपने विधायकों को बचाकर रखा जाए और नीतीश सरकार का सदन से लेकर सड़क तक का विरोध किया जाए। सूत्रों के मुताबिक केरल कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हैं। बताया जा रहा है कि अनवर कांग्रेस में समीकरण फिक्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवैसी के डेंट को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी तारिक अनवर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। वहीं दूसरी ओर कदावर नेता राजेश राम भी अध्यक्ष की दावेदारी वाले नेता में सबसे आगे हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।